बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म चकदा एक्सप्रेस से फिल्मी पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। साल 2018 में आई फिल्म जीरो के बाद अनुष्का की ये पहली फिल्म है। इसी बीच एक्ट्रेस को एक इवेंट में स्पॉट किया गया, जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस दौरान अनुष्का येलो टॉप में नजर आ रही है, लेकिन वह काफी ज्यादा अनकम्फर्टेबल दिखाई दे रही है और उनका टॉप लगातार हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अनुष्का इवेंट पर पहुंची थी और वहां काफी तेज हवा चल रही थी। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर 25 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। सलमान ने फिल्म के पोस्टर के साथ एक कैप्शन शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर 25 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होगा। 210 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर ने मीडिया को दिए बयान में नोरा फतेही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने कहा कि उन्होंने मोरक्को में एक घर के लिए नोरा को पैसे दिए थे। साथ ही सुकेश ने यह भी कहा कि वह जैकलिन के साथ सीरियस रिलेशनशिप में था। हाल ही में नोरा ने सुकेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉनमैन ने उन्हें उसकी गर्लफ्रेंड बनने की शर्त पर एक बड़ा और शानदार लाइफस्टाइल देने का वादा किया था। हाल ही में नोरा ने सुकेश पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉनमैन ने उन्हें उसकी गर्लफ्रेंड बनने की शर्त पर एक बड़ा घर और शानदार लाइफस्टाइल देने का वादा किया था। फिल्म एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल सोमवार को शादी के बंधन में बंध गए। अथिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें कपल एक दूसरे का हाथ थामकर साथ फेरे लेते हुए नजर आ रहा है। अथिया ने लिखा, तुम्हारी रोशनी में मैंने प्यार करना सीखा है।